एक प्रश्न सबके अंदर चलता रहता है कि हम अपने गुरु को कैसे ढूंढें। और आप लोग सुनते रहते ही हैं, कई लोग तो यहां तक कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो ये तो समझ में आता है कि हम पानी तो छान के पी सकते हैं, पर गुरु को हम कैसे जान पाएंगे? क्या गुरु हम में इतनी पात्रता है, इतनी योग्यता है, इतनी समझ, इतना विवेक हमारा जागृत है जो हम ये पहचान लें कि कौन गुरु है कौन नहीं है? इसीलिए छान के पानी पीते रहना भैया बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कभी सोच के मत बैठ जाना कि हम गुरु की पहचान कर लेंगे। गुरु की पहचान हम नहीं कर सकते, गुरु की पहचान शास्त्रों ने पहले से ही कर रखी है। इसीलिए उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। बस शास्त्रों ने पहचान कर रखी है, उन्होंने कह दिया है गुरु हमारा वो होता है जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का मतलब होता है जो वेद ज्ञान से विज्ञ हो, वेद के ज्ञान का जिसको पता हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे उपन्यास पढ़ लिए हैं, कुछ दर्शन शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वो गुरु बन जाएंगे। ना भैया, वो गुरु नहीं होंगे। श्रोत्रिय श्रुति जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है या वेदों का मर्म जो है वो जिन्होंने जान लिया है उनको श्रोत्रिय कहते हैं। और फिर कहा ब्रह्मनिष्ठ, जो वेदों का रहस्य है, जो मर्म है, जो ज्ञान है, वो क्या है? बोले वो भगवान है, वो हरि है, वो सत्य है, वो परम तत्व है, सत्यम परम धीमहि, जैसे भागवत में कहा। तो वेदों का जो मर्म है वो सत्य है, उस सत्य में जिसकी निष्ठा है, उस सत्य तत्व में जिसकी निष्ठा है, उस सत्य तत्व में स्थित रहे जो हमेशा रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं बदंति तत्वसर विदत तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मिति भगवान इति सद्यते। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कौन गुरु होगा? बोले उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, जिन्होंने वेदों में जिस तत्व का, जिस सत्य तत्व का वर्णन किया गया है वो उस तत्व के जो दर्शी हैं, उस तत्व का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उस तत्व को जिन्होंने जान लिया है, उस तत्व को जो देखते रहते हैं सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उस हरि तत्व जो सर्वत्र समान रूप से व्याप रहा है। कैसे व्याप रहा है? बोले जैसे बर्फ में पानी व्याप रहा है, जैसे घड़े में मिट्टी व्याप रही है, जैसे आभूषण में सोना व्याप रहा है, ऐसे ही वो हरि सर्वत्र व्याप रहा है। तो वो जो महापुरुष है, जो उस तत्व को देख रहा है, उस तत्व पे जिसकी नजर जाके टिक गई है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडितः समदर्शिनः। जिसको समदर्शिता आ गई है, उस परम तत्व को जिसने देख लिया है, वो अपना गुरु होगा। वो पर गुरु के पास हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कई लोग माला लेके
प्रसाद लेके कुछ कपड़े लत्ते लेके लिफाफा लेके चले जाते हैं, पर भगवान कह रहे ना भैया, तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेवया। ऐसा गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो उसके पास आप जाइए। कैसे जाना है? विनम्र होकर के जाइए, जिज्ञासु होकर के जाइए और सेवा भाव से जाइए। देखो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे भगवान सब जगह व्याप रहा है, ऐसे ही गुरु भी सब जगह व्याप रहा है। क्योंकि या गुरु सा एव हरि, जो गुरु है वही हरि है, ये भागवत कह रही है। तो जैसे भगवान सब जगह व्याप रहा है, ऐसे ही गुरु भी सभी जगह व्याप रहा है। पर हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम शिष्य नहीं बन पाए हैं असल में। नहीं तो हमें कहीं जाने की जरूरत, भगवान को देखने के लिए कहां जाओगे? किसी ने पूछा कि हम भगवान को कहां ढूंढें, तो जो जानता था उसने क्या कह दिया, बोले तेरा अंतर्यामी राम तेरे ही तो पास है, काशी मथुरा गोकुल ढूंढे पावे अति त्रास है। भगवान को ढूंढने कहां जाए? तो जो जानते उन्होंने कह दिया कि भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब तुम विनम्र जिज्ञासु और सेवा भाव लेकर के जाओगे, तब वो तत्वज्ञ महापुरुष, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तुमको बता देगा कि जिस गुरु को तुम तलाश रहे हो वो गुरु कहीं और नहीं है, वो गुरु तुम्हारे अंदर ही है, वो गुरु स्वयं आत्मा है, वो गुरु स्वयं परमात्मा है। इसलिए गुरु के पास, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास हम जाते हैं, तो वो गुरु हमें आत्मा के रूप में समझा देता है और फिर शरीर गुरु नहीं रह जाता है, फिर आत्मा गुरु हो जाती है। और वो आत्मा कोई और नहीं है, आत्मा भगवान है, आत्मा परम तत्व है, आत्मा गुरु तत्व है। और फिर हमें गुरु को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, गुरु 24 घंटे हमारे साथ है। जहां जहां गुरु की बात आएगी वहां वहां आपको ज्ञान ही सामने नजर आएगा। वंदे बोधो मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु क्या? गुरु का अगर पर्याय कोई शब्द है तो वो ज्ञान ही है, और वो सत्य ज्ञान। ज्ञान माने ये फिजिकल ज्ञान नहीं, ये भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान वाला, ये मेकाले की शिक्षा पद्धति का ज्ञान नहीं, वैदिक शिक्षा पद्धति जो है उसका जो ज्ञान है, और उस ज्ञान का जो तत्व है भगवान श्री हरि परमात्मा ब्रह्म, वो ही गुरु का पर्याय है। इसलिए गुरु का पर्याय ज्ञान है, और इस रूप में गुरु आप सबके पास में है। किसी इस तत्वज्ञ महापुरुष के पास जाकर के इसको जान लो, फिर गुरु को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु तुम्हारा आत्मा है, गुरु तुम्हारा स्वरूप है, गुरु तुम्हारा भगवान है, गुरु तुम्हारा परमात्मा है, गुरु तुम्हारा ब्रह्म है। इसलिए गुरु को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है भैया, गुरु को जानने की जरूरत है बस। और जानने के बाद तुम और गुरु अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि कबीर जी कह रहे हैं ना, कबीरा गुरु के देश में बस जाने जो कोए, कागा से हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। हेरत हेरत हे सखी और गया कबीर हिराए, बूंद समानी समद में अब शोकत हेरी जाए। जब हम जान जाएंगे तो भगवान भी हमारा स्वरूप है और गुरु भी हमारा स्वरूप है। ये ज्ञान ही गुरु है, और इसको धारण कर लेना ही
अपने गुरु को ढूंढ लेना है, अपने गुरु को जान लेना है, अपने गुरु को पा लेना है। ये बात आपको थोड़ी विचित्र जरूर लगती होगी, पर मैंने बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, ये वीडियो कल आएगा, कब आएगा आपके बीच में पता नहीं, पर मैं आपको सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामना बधाई दे देता हूँ। सत्य यही है, इसीलिए आप इसको स्वीकार करिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद।